एक ही तो दिल है फहद भाई कितने बार जीतोगे इंस्पायर्ड बाय मैकबेथ जोजी इज अ वन आर फिफ्टी मिनट मलयालम क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग ऑन एमेजॉन प्राइम

फ्यू सीन्स क्राइड में अब सो बैठ के दो बजे रात में अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रहा था और मेरी बिस्तर बहुत ही गलत तरीके से हिल रही थी दि फिल्म मेक्स यू एंग्री बट लाफ एट द सेम टाइम हाउ अपने ही टेक एडवांटेज ऑफ हु कैरीज द होल फैमिली एवरी वन वॉन्ट दर से ऑफ मीट इट फील सो मच लाइक अ प्ले दिस इज वन यू एज अ राइटर एंड फिल्म मेकर नो दिन ऑफ अ ग्रेट प्ले एंड सिमा एंड ब्लेंड बोथ ऑफ देम टूगेदर इन सच अ ब्यूटीफुल वे वो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं इस फिल्म में उसे बहुत ही डार्क तरीके से दिखाई गए इस फिल्म में हमें बटरफ्लाई इफेक्ट का भी एक बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है डायरेक्टर દિલેશ પઠાણ અને રાઇટર શામ પુષ્કરન ને મિલકર એક તાબિલે કારીફ વાલી કહાની લખી છે મતલબ એડેપ્ટેશન કી હે જો કી બહોત હી ક્રિસ્પ હે ક્રિસ્પ બહોત લોગ ઇસે નહીં માનેગે ક્યોકી કુછ લોગો કો એસા ભી લગેગા કી બહોત હી જ્યાદા સ્ટ્રેચડ અપ થી લેકિન મુજે એસા લગતા હે કી ધ સિનેમેટોગ્રાફી બાય સાઇજો ખાલિદ એન્ડ એડિટિંગ બાય કિરણ દાસ હેઝ બીન ડન વેરી વેલ એન્ડ ઇટ ઇઝ અ વેરી વેલ પેસ્ડ મૂવી গিવન ધે સ્ટોરીલાઇન ઓલ ઇન ઓલ ઇટ ઇઝ અ ડ્રામેડી ये एक ड्रामा है ये एक ट्रेजेडी है जिसको ऐसे ही पेस की जरूरत है ये एक फास्ट पेस पे मूव होने वाली थ्रिलर या सस्पेंस नहीं है सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग विद द द सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दैट हैज प्रोवाइडेड टू अस बाय डायरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से सिनेमेटोग्राफी एंड फोटोग्राफी की गई है पूरे फिल्म की और एडिटिंग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है कमिंग टू द माइंड ब्लोइंग आई थिंक द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज इट्स म्यूजिक बाय जस्टिन वर्गेज एक्टिंग के बाद इट्स वेरी हॉलीवुडिश एक्सपीरियंस या क्या बोलते हैं उसे फिल्म को बहुत लार्ज बनाने में बहुत ही मदद करता है वो जो म्यूजिक है जो क्वालिटी है ऑर्केस्ट्रा की वो बहुत ही अमेजिंग है कमिंग टू दी एक्टिंग जो जी प्लेड बाय लॉर्ड फाफा बोले तो फाहद फासिल एक ही तो दिल है फाहद भैया कितने बार जीतेंगे आफ्टर वॉचिंग रूल विच वॉज एज अ होल बिट ऑन डिसअपॉइंटिंग साइड वैसे वहां भी फाहद भैया मस्त है स्टोरी फार बेटर एक्सपीरियंस दोनों जॉनरा अलग थे बट क्योंकि वो एक मिस्ट्री था ये एक ड्रामा है आई एम नॉट कम्पेयरिंग बट बोलते हैं न, जो लिखा हुआ पीस होता है सोर्स मेटेरियल होता है ट्रीटमेंट ऑफ अ सोर्स मेटेरियल उस मामले में ये फिल्म काफी ज्यादा आगे वो नुआंस वो छोटी छोटी एक्शन जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ फाह फासिल उसमें मास्टर है परफेक्शनिस्ट अगर इन्हें कहें या कहते हैं तो कुछ गलत नहीं कहते हैं कि एक इंसान कितना ग्रे हो सकता है अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है एक टाइम पे अच्छा और एक टाइम पे बुरा उस उस चीज़ को फहद भाई इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि हम क्या बताएं

यानी कि पीके साहब की तो उनका रोल कम है बट उन्होंने जो भी किया है काफी स्ट्रॉन्गली प्ले किया है आपको बहुत हाई लेवल का नालायक ही होना चाहिए आपको वैसे आपका नालायक बेटा बनने के लिए अब जोजी जो है हकीकत वाले जैसन जो कि भाई का रोल प्ले कर रहे हैं उनका असली नाम है जोजी वो है बेचारे बीच के फंसे हुए भाई मतलब वो बुरे भी हैं अच्छे भी हैं मजबूर भी हैं हर चीज है वो अपॉर्चुनिस्टिक भी हैं बट कौन नहीं होता लेकिन जो शो स्टीलर है आफ्टर फवाद फासिल वो है उन्नी माया प्रसाद एज बिन्सी मतलब गज़ब आप बिना एक्टिंग किए भी कितनी एक्टिंग कर सकते हैं ना वो इन दोनों से इस फिल्म को देख कर इन दोनों को देख कर, आप समझ सकते हो कि रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है और अच्छी एक्टिंग किसे कहते हैं शी द मेयर स्पेक्टेटर इज द वन हु नो वट जो जी इज अपट एन इंटेलिजेंट बास्टर्ड ही इज बट शी कीप्स मम क्योंकि उसे भी आज़ादी चाहिए उसे भी अपना हिस्सा चाहिए सो माई कंक्लूजन इज अ सजेशन कि थोड़ा सा आप पेशेंस रख के जाइए और ये दिमाग में रख के जाइए कि दिस इज़ अ ड्रामेडी सो पेसिंग इशू नहीं होनी चाहिए आपके लिए आई लव द मूवी एंड आई सजेस्ट दिस मूवी वेरी मच टू यू अमेजॉन प्राइम पे है जाकर देखो नहीं है तो दोस्त से पासवर्ड लेकर देखो बट देखो एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बाई फाह फासिल अकॉर्डिंग टू मी जितने मूवीज़ मैंने जो भी पाँच छः मूवीज देखी है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सो दिस वॉज माई टू सेंट्स ऑफ रिव्यू इफ ये वॉच द मूवी टेल मी हाउ यू लाइक इट इन दी कमेंट और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में यू टेक केयर टाटा बाय बाय